तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तुलसी का सुबह का दूध पीना हो गया है, तो तुलसी और महाराज अभी दोनों फार्म से बाहर जाएंगे, बाहर खेलेंगे मस्त। और अभी धूप नहीं है और अभी बारिश भी नहीं है, तो बढ़िया सीन को आराम मिलेगा, बाहर खेलेंगे। और अपनी सभी गाय भी खुराक खा रही है। अभी हरे चारे की कुट्टी जो कल शाम को अपनी बची हुई थी वो हमने अभी फार्म के अंदर डाल दिए। उसके अंदर मक्के के कुछ थोड़े दाने हैं, तो कबूतर उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं और दाने वहाँ से निकाल के कुछ खा रहे हैं। इनको भी यहीं पे दाने फार्म में ही दे देंगे गायों के साथ। और अभी गाय जब चारा खाएंगी तभी दाने बाहर खाएंगे। आरती की माँ की खुराक पूरी तरीके से बंद है और उसका दूध भी पूरी तरीके से अभी बंद हो गया है। अभी हम दिखा देते हैं अपने कुएँ को। कुएँ के अंदर कल 3 से 4 इंच पानी नीचे था और कल हमने मोटर भी चालू कर दी थी, तो पानी बाहर बिल्कुल नहीं निकला था। और अगर आज लाइट टाइम पे नहीं आई और कुछ हुआ दिक्कत और बारिश हुई, तो अभी से पानी तो बहने लग गया है। अभी शुरुआत हुई है पानी की बहने की। अभी देखो आगे तक पानी गया नहीं। अभी हमें यहाँ से नाली बना के पानी बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक लाइट आएगी नहीं तब तक हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। कुआ पूरी तरीके से ऊपर तक भर गया है, ये देखो फुल हो गया है पूरा। कल तो 3-4 इंच नीचे था लेकिन आज ओवरफ्लो हो गया है। और कल मोटर भी चालू की थी। मोटर चालू करने के बाद कुएं का पानी लगभग 6 से 7 फीट तक गहरा चला गया था। मोटर ने पानी कुएं से निकाल दिया था। अगर आज 10 बजे ठीक टाइम पे लाइट नहीं आई और देरी हो गई या फिर आई नहीं, तो फिर ये पानी आज का पूरा दिन, पूरी रात और कल का आधा दिन पानी बहेगा। अगर उसके बाद भी लाइट नहीं आई तो इसका कोई भरोसा नहीं कितने दिन तक ये पानी बाहर बहेगा। तो अभी यहाँ से हमें फावड़ी से नाली कोरनी है, तो अभी नाली कोर लेते हैं घर से फावड़ी निकाल के। तो रात को तो बारिश आई नहीं ज़्यादा, नॉर्मल बारिश थी, लेकिन क्या पता अभी दिन को आ जाए। छोटा भी फावड़ी लेके आ गया है, तो अभी नाली बना देते हैं छोटी, उसमें से पानी निकल जाएगा। सामने वाले खेत में जो पानी भरा है वो पूरी रात में भी खाली हुआ नहीं। नीचे के ज़मीन के मतलब खेत अपना जो कुआ है, अभी ये ऊपर की साइड है और इस साइड में नीचा है, तो कुएं के लेवल के देखा जाए तो ये पानी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि कुएं का ही पानी ऊपर से जा रहा है तो नीचे की साइड पानी कैसे कम होगा। तो अभी मोटर चालू के होने के बाद ही कुएं का पानी नीचे जाएगा। तिल के नीचे भी पानी घुस गया होगा, तो इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। देखो छोटा भी उधर से नाली बनाते हुए आ रहा है। ऐसी नाली बनाएंगे सीधी और दोनों साइड में बांध बना के जो ये पानी आ रहा है इसको उसमें छोड़ेंगे। अभी तो बहुत नॉर्मल बह रहा है क्योंकि अभी कुएं की लेवल अभी ऊपर तक आई है, तो थोड़ी देर बाद ये ज़्यादा बहेगा। ज़्यादा होगा तो अब ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए हम नाली बना के सारे पानी को निकालने वाले हैं। बोरवेल का पानी देखते हैं कहाँ तक भर के आया है ऊपर तक। तो बोरवेल का पानी ये हमें ऊपर ही दिख रहा है, ये देखो इतना पानी है कि ये जो ज़मीन है उसके लेवल का पानी मतलब समतल है, ज़मीन के लेवल पानी है। और ये जगह थोड़ी ऊंची है, ये साइड थोड़ी नीचे, तो आधे फीट इस साइड में मिट्टी ऊंची है। तो देखो यहाँ पे पानी दिख रहा है जो कि बोरवेल के लेवल से थोड़ा नीचे की साइड है, और ये पानी वैसे बह के हल्के धारे से निकल रहा है बाहर। तो बोरवेल से तो ऊपर की साइड पूरा बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसके ज़मीन के लेवल तक उसमें पानी आ गया, तो ये ऐसे बाहर निकल रहा है। और इस साइड से ट्रैक्टर के नीचे से भी आ रहा है, देखो यहाँ से ये पूरा पानी सामने वाले खेत में भर रहा है। इसका पानी खेत से बाहर निकालना हो तो मोटर लगा के बाहर निकालना पड़ता है। ये खेत अपने सभी खेतों के मुकाबले नीचे की साइड है, इसका पानी निकालना होता है तो दूसरे के खेत में निकलता है, तो और वो खुद नहीं चाहता कि अपना पानी उसके खेत में निकले। तो हम भी इसको निकालना चाहे तो मोटर लगानी पड़ेगी, इसलिए इस पानी को निकाल नहीं पाते हम, ये अटक जाता है। तो ये पानी जब तक अपने कुएँ को खाली नहीं करते ये पानी नीचे ज़मीन में नहीं जाता, ऐसे ही भरा रहेगा। और उसके लिए हमें लाइट चाहिए और लाइट आएगी तब हम पानी निकाल पाएंगे। तो बोरवेल है अपना फुल और मैंने यहाँ पे नाली भी बना दिया जिससे कुएं का पानी सीधा बाहर निकल जाए, अपने फसल के नीचे ना जाए। दिखाता हूँ नाली, देखो अभी थोड़ा पानी बहना ज़्यादा हो गया है, पहले थोड़ा कम बह रहा था, अभी धीरे धीरे करके ज़्यादा बहेगा। ये देखो इस तरह पानी आ रहा है और मैंने ऐसे ही हल्की नाली बना दी जिससे पानी पूरा सामने वाले खेत में निकल जाए, इसके नीचे ना रहे। नाले में अभी देखो कितना काफ़ी सारा पानी बह रहा है, तो 7.5 HP की दो मोटर जितना पानी देती है उतना पानी अभी नाले में आ रहा है और बिल्कुल साफ पानी है। नीचे क्या है वो पूरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ पानी अभी बह रहा है
और इस नाले में पानी जून महीने से बह रहा है, तो अभी नवंबर लगने में है, तो लगभग 3 महीने कंटिन्यू इसमें पानी बंद नहीं हुआ। कम होता था, फिर बारिश आ जाती, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे ही 3 महीने से कंटिन्यू इसमें पानी बह रहा है। इस साइड से भी कम आ रहा है, इस साइड से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इस साइड का पानी ऊपर से कम आता है, मतलब इस साइड में कम पानी आता है, ये काफ़ी दूरी का पानी आता है, तो ये ज़्यादा है। बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, और अपने कुएं का भी ऊपर से बह रहा है, कुएं के मुकाबले ये जगह काफ़ी नीचे, कम से कम कुएं से 5 फीट नीचे की साइड है हम अभी यहाँ पे, और यहीं से आगे हम जाएंगे, तो आगे जाके 5 फीट ऊँचा है ये सामने, ये देखो यहाँ से ऊँचा है, 5 फीट ऊँचा है, यहाँ से सीधा जाए तो अपना आगे कुआ है। तो बहुत बढ़िया पानी अभी नाले में बह रहा है। रात को अगर तेज़ बारिश आती तो एक और ज़्यादा बहता, लेकिन रात को बारिश बहुत कम आई थी, लेकिन आज का दिन का कोई भरोसा नहीं, कल की तरह ही आज दिन में 2 या 3 बार बारिश ज़ोरदार अगर आ गई तो ये नाले में और ज़्यादा काफ़ी पानी बहेगा। अभी 3 बज रहे हैं और अपनी सभी गाय लगभग 2 बार का चारा खा चुकी है, तीसरी बार का हमें दूध निकालने के बाद डालना है। सबका काम हो चुका है, फार्म के अंदर थोड़ा गोबर था वो हम बाद में उठा लेंगे, अभी है थोड़ा। और इस साइड में तुलसी और महाराज दोनों आराम कर रहे हैं, इस साइड में राम जी, गौरी और मंगल तीनों आराम कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ के सभी काम निपट लिए। सिर्फ खेत में छोटे बहन चारा भी काट के रखा है, वो सिर्फ फार्म पे इकट्ठा करना है, जो कि हम कल उसकी सुबह खुट्टी करेंगे। तो इस वाले बोरवेल का पानी थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन ऊपर बह रहा था, जो कि मैं सुबह भी दिखाया था, यहाँ से सामने वाले खेत में पानी भरा है और ट्रैक्टर की साइड से भी पानी आ रहा है। कुएं का पानी थोड़ा कम हो गया, बोरवेल का भी थोड़ा नीचे चला है, क्योंकि बोरवेल की मोटर जो है अपनी इसके अंदर है नहीं, और कुएं के अंदर मोटर है, तो कुएं की मोटर कर दिया चालू, तो उसका पानी नाले में निकल जा रहा है, तो कुआं थोड़ा खाली हो गया, लेकिन रात में फिर से भर जाएगा। लेकिन अभी बारिश अगर नहीं आई तो पानी कुएं से बाहर नहीं निकलेगा। देखो ये सुबह यहाँ पर पानी बह रहा था, और अभी देखो ये सारी जगह गीली है, लेकिन पानी नहीं है, मोटर चालू है, तो पानी कुएं का नीचे चला गया, नहीं तो फिर ये अभी भी बहता पानी बाहर से। लाइट टाइम पे आ गई और बढ़िया चल गई, तो 7 से 8 फीट पानी ज़मीन के लेवल से नीचे गया है। और सुबह में हम जब फार्म पे आए, सुबह में मतलब सुबह के 5 बजे, तब हल्की बूंदे बारिश की चालू हो गई थी, उसके बाद फिर 5:30 बजे तक लगभग चली, उसके बाद बारिश खुल गई, फिर बाद में बारिश ही आज अब तक आई नहीं, 3 बज गए, और आसपास में मौसम भी नहीं है कि बारिश हो, बादल है, लेकिन मौसम ऐसा बना नहीं है कि लगे कि भाई बारिश होगी, तो आज का दिन लग रहा है कि सूखा निकल जाएगा, बारिश नहीं आएगी तो बढ़िया रहेगा। अभी लग रहा है तो बारिश का मौसम है नहीं, लेकिन क्या पता रात को फिर से बारिश हो जाए या फिर नहीं भी हो, तो उसका कोई भरोसा है नहीं, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। छोटे तीनों शैतान एक साथ आराम कर रहे हैं एक जगह बैठ के, राम जी और गौरी को थोड़ी देर पहले चारा दिया था, उन्होंने फिनिश कर दिया फार्म के अंदर, अपने सभी गायों को भी तीसरी बार का चारा कल की तरह ही पहले ही डाल दिया था, बाद में दिक्कत ना आए, तो इन्होंने उसमें से थोड़ा चारा बचा के रखा है, काफ़ी हद तक वो खा गई है, तो अभी हमें चारा शाम के लिए ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा ही चारा हम शाम को फार्म के अंदर डालेंगे। अभी देखो यहाँ पे बचा हुआ है, पेट इनका लगभग भरा हुआ है, अभी ये खाएंगे खुराक, खुराक खाने के बाद फुल पेट हो जाएगा, फिर हमें शाम के लिए ज़्यादा चारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे बचा हुआ है, और जो भी हमें शाम को डालना है उसकी कुट्टी पहले ही पड़ी हुई है, वही हम उठा के फार्म के अंदर डालेंगे। कल के लिए छोटे भाई ने यहाँ पर हरा चारा काट के रखा है, अभी हम पहले सभी गाय को बांध देते हैं, बांधने के बाद फार्म के अंदर वाला गोबर उठा लेंगे, उसके बाद फिर हम सभी गाय को खुराक रखेंगे। अभी अपनी गाय सभी खा रही है खुराक, अभी इन सबको खुराक रखिए, लगभग अपनी राधा ने खा ली है खुराक और बाकी सब खा रही है, तो बढ़िया से अपनी राधा, वर्षा और महाराज की माँ खाती है, बाकी ये 3 गाय सही से नहीं खाती, क्योंकि हमने खुराक अभी चेंज कर दिए, जो सर की पेंट थी हम जो पहले गायों को खिलाते थे वो थोड़ी महंगी आ रही है, और वो अभी सही नहीं आ रही, उसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं रही, अभी पहले जैसी थोड़ी ख़राब आ रही, कुछ दिनों बाद जब नई सर की पेंट आने लग जाएगी मार्केट में तब हम नई लाएंगे और वो खिलाएंगे, अभी रेट के हिसाब से बहुत ख़राब आ रही इसलिए हम नहीं ला रहे,
तो अभी हम गायों को अभी देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको मकई की खुराक मिलेगी सारी। तो हमने मकई का आटा डाला है और मकई की एक पेंट आती है और डाली है, पानी में भिगो के रखे एक से डेढ़ घंटा, उसके बाद फिर अभी गायों को रखा है। तो अपनी गाय उसको सही से नहीं खाती क्योंकि इसमें स्वाद उतना अच्छा है नहीं, लेकिन अपने को जो खिलाना है वो भी अभी के हिसाब से सही नहीं मिल रहा, इसलिए हम ये खिला रहे हैं। और इसमें भी दूध अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन जो सर की पेंट है उसमें इससे भी अच्छा आता है, लेकिन वो भी जो मार्केट में मिली वो तो बहुत ख़राब है, उससे अपनी गाय बीमार पड़ रही थी, इसलिए हमने उसको खिलाना बंद किया है, इसको चालू किया है। तो अभी तो गाय बढ़िया से खा रही है, सिर्फ इन दो गाय को छोड़ के महाराज की माँ खा रही बढ़िया से, राम जी की माँ और गौरी की माँ नहीं खा रही, मंगल की माँ भी काफ़ी हद तक अच्छा खा लेती है। हमें महाराज की माँ का डर था क्योंकि वो खुराक भी अच्छे से नहीं खाती थी, लेकिन इसको बढ़िया खा जाती है, बाकी ये वर्षा और आधा सब बढ़िया ही खाती है। इस साइड से आज भी पानी आ रहा है, यही ऊपरी डैम है देखो, उसमें भी पानी भरा है, और कल इस साइड से जो पानी आ रहा था वो इतना ज़्यादा था कि यहाँ से इस साइड भी जा रहा था, यहाँ पे पानी भर के सीधा फार्म के अंदर भी जा रहा था, तो वो वाला पानी कल इस टाइम पे काफ़ी बह रहा था, आज सुबह से बारिश नहीं है तो इस साइड में बहना बंद हो गया, अभी कम है तो नीचे की साइड चला जा रहा है, और यहाँ पे कल हमने पानी इस साइड भी निकाला था फिर भी इस साइड जा रहा था। अभी सभी ढोल हो चुके हैं और पिताजी इनको ले गए थे, सुबह में छोटा भाई ले गया, उसके बाद फिर पिताजी गए और अभी इन सबको पिताजी लेके फार्म पे वापस आ गए। तो बाहर को बड़ों को बांध दिया है, एक बुल को जो कि बड़ा है अंदर बांधना पड़ता है क्योंकि अपने दोनों बैलों को काफ़ी मारता है, तो इसलिए अगर छूट गया रात को तो दिक्कत ना हो, इसलिए हमने उसको अंदर बंद किया है। तो अंदर गाय को साथ रहता है, बच्चों के साथ है, उसको बांध के रखा है, तो दूसरे को अंदर खुल भी गया तो इनको मारेगा नहीं, और बाहर रहता है तो बैलों को काफ़ी परेशान करता है। सभी को ढोल बना के पिताजी लेके आ चुके हैं, कल इस टाइम फार्म के अंदर पूरा पानी भरा था, आज पानी है नहीं लेकिन फार्म है गीला, तो थोड़ा आगे की साइड उधर अभी थोड़ा पानी रुका हुआ है, फिर इस साइड में पानी बिल्कुल नहीं, ये जगह सूख गई बढ़िया से। तो इन सबको बंद किया, अभी चलते हैं वापस अपने उस वाले फार्म। अपनी सभी गाय अभी खुल गई है चारा खाने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले जब हम दूध निकाल रहे थे उस टाइम बूंद बूंद बारिश शुरू हो गई थी, फिर अभी फिलहाल बंद हो गई, कुछ मिनटों के लिए चली बाद में खुल गई, ज़्यादा कुछ हुई नहीं, लेकिन मौसम भी है नहीं बारिश का, लग तो नहीं रहा कि बारिश रात को हो सकती है, मौसम साफ है मतलब बादल है, लेकिन जैसा बारिश का मौसम होता है वैसा नहीं हुआ है। तो अपनी सभी गायों का पेट भी लगभग ढोल हो ही गया है, ज़्यादा कुछ खाली है नहीं, चारा वापस से इन सबको मिल गया है, तो अभी खाएंगे रात को आराम से। सभी छोटे शैतान सेप्टर में बंद हो गए, कबूतरों को काफ़ी देर पहले ही मैंने बंद कर दिया था, डॉग को खाना देना बाकी वो देंगे, बाकी फिर सभी काम अपने हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।